ईलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे टीजीटी के 900 पदों को भरने की सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है और एक बहुत बड़ी खबर थी हमारी टीम के द्वारा। पहले भी आपको एक वीडियो उपलब्ध करवाया गया था जिसमें कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश में 3636 अन्य शिक्षकों के पद भी भरने जा रही है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाई जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई है जिसमें लिखा गया है कि विवादों के बीच टीजीटी के 900 पद भरने को मंजूरी मिल चुकी है। तो आपके लिए अच्छी खबर है, आपको तो विवादों में नहीं पड़ना होगा। आई थिंक यदि आपको हिमाचल प्रदेश में नौकरी चाहिए आपको निरंतर तन मन धन से मेहनत करनी होगी। कुछ किताबें भी आपको बताएंगे जिन किताबों से सीधे प्रश्न कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि विषय संयोजन यानी सब्जेक्ट कम्बिनेशन विवाद में घिरी टीजीटी भर्ती के बीच शिक्षा विभाग ने 900 पद भरने की मंजूरी दे दी गई है। देखिए जो विवाद पैदा हुआ है, सब्जेक्ट विवाद कहाँ से पैदा हुआ है, जब से रूसा लागू हुआ था उसमें सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बन गया था जिसमें जिन स्टूडेंट्स ने टीजीटी आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए आवेदन करना था उनके सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के आधार पर उन्हें एचपी सबऑर्डिनेट हमीरपुर में उनकी एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया था। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा जब इसकी फाइनल नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें किस तरह के नियम निर्धारित होंगे, उन कैंडिडेट्स के लिए क्या किया जाएगा। लेकिन आप लोग इन फालतू के झमेलों में ना पड़ें, आप लोग कंसंट्रेट अपने तैयारी के ऊपर ही करते रहें। और आपको एक और चीज़ बता दें, यहाँ से 900 पद है इसमें 50% बैच वाइज भरे जाएंगे और 50% के ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, कमीशन के माध्यम से रिक्रूटमेंट होगी। अब बात करेंगे इस वीडियो के सेकंड फेज की तरफ जिसमें मैंने आपको कहा था कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के 3636 पदों को भरने की मंजूरी दी थी। देखिए ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आपने देखा होगा अभी शास्त्री के पदों की एडवर्टीजमेंट आउट हुई थी, लेकिन कुछ उसमें भी कोर्ट की इश्यूज बनता जा रहा है उसकी वजह से वो डिले हो रही है। बाकी वैकेंसीज इसमें से आनी थी जैसे JBT की थी, TGT आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल लैंग्वेज टीचर एटसेट्रा की वैकेंसीज थी, उसके ऊपर देखिए रोस्टर बनाया जा रहा है, रोस्टर क्लियर होगा उसके बाद इसके ऊपर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन आप लोगों के लिए एक उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश सरकार यहाँ पे वैकेंसीज लेकर आ रही है और काफ़ी लंबे समय से विशेष तौर पर TGT के साथ में बहुत सा बड़ा ग्रुप हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है, आप लोगों को भी उम्मीद रहती है कि कब से सरकार ये वैकेंसीज भरने जाएगी। यदि आप बेरोजगार हैं और हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, कुछ दिनों का इंतजार करें, आपके सामने इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है, उसके बाद इसके ऊपर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन तब तक आपने क्या करना है, आपको बता दें हमारी टीम एक या दो दिनों में TGT आर्ट्स कमीशन की हार्ड कॉपी की फॉर्म में एक बुक लॉन्च करने जा रही है जिसकी सॉफ्ट कॉपी तो अभी भी उपलब्ध है हमारे वेबसाइट पे, लेकिन ये आपको हार्ड कॉपी में मिलेगी। इस किताब में सम्मिलित किया गया है TGT आर्ट्स कमीशन के ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2014, 2016, 2018 और 2019 के, साथ में फुल सिलेबस कवरेज भी मिलेगा आपको जिसमें सम्मिलित किया गया है इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री जियोग्राफी जनरल साइंस एनवायरनमेंट साइंस डिजास्टर मैनेजमेंट टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड जनरल नॉलेज, मतलब आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकती है किताब, लेकिन इसके लिए आपको एक से दो दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। उसी के साथ में हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी किताब की भी जरूरत थी कि एक ही किताब में विभिन्न तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम की परीक्षाओं की तैयारी का संपूर्ण अध्ययन सामग्री आपके समक्ष हो, तो हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इस किताब में आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक आर्थिक ऐतिहासिक राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा विकासात्मक व विश्वमुखी विजन पर आधारित अध्ययन सामग्री, उसके बाद वर्ष भर की स्टिक घटनाओं का सारांश, कुल मिलाकर इस किताब की बात करें 10,000 से ज़्यादा का क्वेश्चन बैंक यहाँ पर बन जाता है। जब आप इस किताब का एक पार्ट पढ़ लेंगे दूसरे पार्ट की तरफ जाएंगे तो आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं क्लर्क से लेकर प्रशासनिक सेवाओं तक पूछे गए ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जब आप उनको पढ़ते हैं तो आपको पता लग जाता है कि किताब कितनी महत्वपूर्ण है, किस तरह की अध्ययन सामग्री जो आपने पढ़ी है वहीं से नए प्रश्न बन रहे हैं और विभिन्न तरह की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। यदि आपने अप्रैल महीने में HS की परीक्षा में अपनी अपीयरेंस देनी है तो हम आपको सुजेस्ट करते हैं हमारी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बुक को जरूर ट्राई करें। इस किताब में आपको मिलेंगे वर्ष 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर, साथ में फुल सिलेबस कवरेज भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा भी विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की अध्ययन सामग्री के लिए आप विजिट करें हमारी वेबसाइट elitestudyco.in। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elitestudy यूट्यूब चैनल।